नमस्कार, आरवी न्यूज लैब में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश से ब्यूरो चीफ विवेक पांडे की खास रिपोर्ट। बने रहिए आरवी न्यूज लैब पर, देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट। भारत गैस एजेंसी मालिक द्वारा हो रहा है अवैध वसूली। कहना है गजरा बहरा के मूल निवासी सुरेश कुमार गुप्ता, उन्होंने बताया कि भारत गैस एजेंसी के मालिक कलेक्टर के यहाँ बाबू के पद पर तैनात हैं और वह इसी का फायदा उठाकर अपने यहाँ कनेक्शनधारियों से 860 रुपये के बजाय 900 रुपये लिया जा रहा है और वहीं पर ब्लैक में 950 रुपये के बजाय 1000 रुपये लिया जा रहा है और वजन में 30 किलो की जगह पर 24 किलो का सिलेंडर दिया जा रहा है, जो यह बहुत ही गलत है। इस पर सरकारी कर्मचारियों के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सिलेंडर का दाम पहले से ही सरकार ने बढ़ा रखा हुआ है, जिससे गरीबों की कमर टूटी हुई है। लेकिन एक गैस एजेंसी के मालिक उस पर कालाबाजारी कर रहे हैं, गरीबों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, वजन में भी धोखाधड़ी किया जा रहा है। 30 किलो की जगह 24 किलो दिया जा रहा है, 860 रुपये के सिलेंडर के बजाय 900 रुपये लिया जा रहा है, वहीं सिलेंडर को ब्लैक में भी बेचा जा रहा है, जिसकी कीमत 950 रुपये से लेकर के 1000 रुपये लिया जा रहा है, जो बहुत ही सरासर गलत है। इस पर प्रशासन को और शासन को तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बने रहिए आरबी न्यूज लाइव पर और देखिए आगे की पूरी रिपोर्ट कि क्या यह गैस एजेंसियों के मालिक के द्वारा जिस तरीके से वसूली किया जा रहा है, क्या वो सही है। देखिए पूरी रिपोर्ट। सुरेश कुमार गुप्ता जी, निवासी गजरा बहरा जी, है ना जी। वो मामला आपका क्या है? मामला यह है कि गैस का रेट जो है ये 860 रुपये है जी, ये ले रहे हैं 900 रुपये जी, कनेक्शन वालों का जी। जिनका कनेक्शन नहीं है जी, उनसे 950 ले रहे हैं, किसी से 1000 ले रहे हैं जी, और प्लस उसका गैस निकाल के दे रहे हैं। गैस निकाल के भी देते हैं? गैस निकाल के देते हैं। गैस में क्या किलो रहता है? गैस अभी मैं परसों लाया था, उसमें 6 किलो 600 ग्राम गैस रहा और 17 किलो 400 ग्राम टंकी में, टोटल मतलब 24 किलो। टोटल 24 किलो सिलेंडर में। क्या आपने शिकायत किया, कहीं बात किया तो क्या बोले? बात किए तो बोले कि वो रिप्लेस कर दो। हाँ, सुबह ले गए तो उसको रिप्लेस करके दूसरी टंकी दिए जी। हाँ, रिप्लेस किया तो दूसरी टंकी दिए जी। हाँ, या फिर दोबारा गैस आपको चेंज कर दिया? हाँ, फिर हाँ दोबारा गैस चेंज किए उसको। तो उसने बोलते नहीं है कि मतलब गैस 860 रुपए है तो फिर 900 क्यों देते हैं आप लोग? बोलते हैं यही रेट मिलेगी, लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। सीधे जवाब देता है, सीधे जवाब देता है। और दो तीन बार शिकायत कर चुके हैं, कोई इसकी सुनवाई नहीं है। गैस मालिक का क्या नाम है? गैस मालिक का नाम तो नहीं है, लेकिन ये बताते हैं कि जो हमारा मालिक है तो कलेक्टर का बाबू है। कलेक्टर का बाबू है? हाँ, कलेक्टर के यहाँ जो रहते हैं वहाँ ऑफिस बैठन में, वहाँ मेरे बाबू हैं। अच्छा, जहाँ तुमको शिकायत करना कर लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, मतलब कलेक्टर का बाबू है तो बोलता है कुछ नहीं होगा मेरा, चाहे जो करना हो कर लो। हाँ, बोलते उनके केला लोग बोलते हैं जो शिकायत कर, जहाँ करनी है कर लो, जहाँ फोन लगाना वहाँ फोन लगा लो, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। धमकी देते हैं, धमकियाँ आपको देता रहता है जी। कलेक्टर का बाबू है? बाबू है। चलिए,
तेज सबसे आगे, खबरें देखें सबसे पहले, आपको करे हर खबर से रूबरू। आगे ऐसे और खबरें देखने के लिए rvnews.live को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ बने रहें। बदलेगा खबरों का अंदाज, बदलेगा खबरों का मिजाज, बुलंद होगी जनता की आवाज, आपका सरोकार, असल मुद्दों की पुकार, पत्रकारिता की धार, खेत खलियान, महिलाओं का सम्मान, देश के नौजवान, जनता मांगे समाधान, सड़क पर घमासान, भ्रष्टाचार से परेशान।